हेलो फ्रेंड्स, मसूरी की सुंदर वादियों में आपका न्यू ईयर में हार्दिक स्वागत है। आइए मेरे चैनल ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ उत्तराखंड में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मसूरी और उत्तराखंड से रिलेटेड ब्लॉग देखने को मिलते रहें। सुंदर सुंदर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए और आगे देखिए। इसमें आज न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपका मनोरंजन है और उसके साथ साथ पेश है गाजर का हलवा, मूंग मीठा दीजिए। प्लीज पूरा व्लॉग देखिए। तो फ्रेंड्स, गाजर के हलवे के लिए थोड़ा सा आप घी लीजिए जिससे हम इसमें गाजर भून लेंगे और बादाम को आप रोस्ट कर लें अगर घी में नहीं भूनना चाहते हैं। और नए साल का हम स्वागत करते हैं, तो आइए उसके साथ ही मैंने आपको क्या दिखाया था, बादाम भून दिए थे और घी डाला हुआ था कढ़ाई में। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये मैं हलवा बनाती हूँ। ठीक है, गाजर का हलवा बहुत इंस्टेंट हलवा है ये। जब आपको जल्दी है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने ये डाला इसमें घी और अब हम इसमें डालेंगे जो ये मेरे तरीके से है, ये है तेज पत्ता। दो तेज पत्ते डाल दूंगी इसके, इसमें ना अच्छे से फ्लेवर आता है तेज पत्ते का। और अब मैं डालूंगी इसमें गाजर, जो गाजर मैंने कस ली है, मोटा वाला कद्दूकस है, जो मोटे मोटे लच्छे इसके बना लिए हैं। तो अब मैं इसमें घी में डाल दूंगी ये गाजर। तो फ्रेंड्स, मेरे इसमें चैनल में आपको उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ की खूबसूरती, त्योहार और यहाँ के भजन कीर्तन, शादी समारोह, जैसे जैसे मैं ये आपको ये सब यहाँ देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ उत्तराखंड की रेसिपी भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ की सुंदरता तो मिलेगी देखने। तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम यहाँ लेटेस्ट बर्फ का इंतजार है। हम लोग बड़े हिली एरियाज में बर्फ पड़ी तो अब बर्फ का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो आप लोग देखे जाइए और आनंद लीजिए। तो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करके, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट जो वीडियो आए वो उसे आपको मैं इसको भून रही हूँ, तब तक भूनूंगी जब तक इसमें जो है इसका पानी ना सूख जाए। अभी मैंने गैस हल्की करी थी, घी भून जल जाएगा करके, तो अब मैंने इसमें कर दिया है ये फ्लेम तेज कर दी है। तो अब मैं इसको भून लूंगी और भूनती हूँ तब तक फ्रेंड्स जब तक मैं इसको ये इसका जो पानी है ना ये सूख जाएगा। मैं इंस्टेंट बना रही हूँ इसको, जो जल्दी से बन जाता है। और इसके जो मोटे मोटे हमने ये मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं लच्छे, ये मोटे मोटे लच्छों में करा है जिससे कि एकदम बाजार जैसा बने। तो फ्रेंड्स, अब इसका जो है ये पानी सूख चुका है, हमको इसे चलाते नहीं रहना है, सिम में आप रख दीजिए पानी सूखने तक। तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में इसका पानी सूख जाता है। 1 किलो गाजर है ये,
अभी आपको इसमें अभी अब इसमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमको इसमें जो है वो मिला देनी है अब स्वाद के अनुसार शुगर। मैं ये ऑर्गेनिक शुगर मिला रही हूँ इसमें, आपको जितनी पसंद है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें मिलाइए शुगर। मैं इसमें अभी थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ, फिर कम होगी तो एकदम बाजार की तरह खिला खिला रहता है। पूरा पूरा वीडियो देखिए तो आपको, तो क्या है फ्रेंड्स, जो हम उत्तराखंड के लोग हैं या जो भी पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोगों को पहले उनके पास खेती गाड़ी और फैमिली भी बहुत बड़ी होती थी, तो पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उन लोगों के पास इतना सारा मतलब टाइम खाने में देने के लिए इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन खाना बनाने में बहुत सारा, वो लोग पौष्टिक खाना और जो जल्दी बने और उस हिसाब से अपना जुगाड़ करते थे। तो ये उसी जुगाड़ का एक नतीजा है। मलाई वाला जो है मेरा मलाईदार बिल्कुल मिल्क है, जिसको मैं इसमें डाल देती हूँ करीब 1 गिलास के करीब। मैं इसको अंदाजे से डाल रही हूँ मलाई मलाई। देखिए आपको दिख रहा है दूध एकदम डूबने तक दूध नहीं है इसमें, ठीक है। ये इसमें जितना भी पानी होगा वो सब मतलब जो चीनी के बाद भी पानी जितना छोड़ा होगा उसने वो सब इसमें सूख जाएगा और ये धीरे धीरे पक भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही 5-7 मिनट में ये गल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है अभी करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये पक चुका है पूरा। देखिए थोड़ा सा इसमें बचा है, ये 5-1 मिनट में तैयार हो जाता है जब तक हम इसमें ये देखिए। तो जैसे मैं कह रही थी कि ये एकदम से इंस्टेंट है। आपके पास गाजर है, 1 किलो गाजर में करीब इतना बन गया है, क्योंकि जो हमने इसको पहले भून दिया, भूनने की वजह से इसमें भूनने की वजह से पानी पूरा सूख गया, हमने इसमें मिल्क भी जो है बहुत कम डाला। और ये अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें दूध ज्यादा डालें या कम डालें। कई लोग खोया डालते हैं, तो मैं इसमें खोया वगैरह कुछ नहीं मिला रही हूँ, सिंपल और साधारण तरीके से मैंने ये बनाया है। लगभग लगभग ये तैयार होने वाला है। कंडेंस मिल्क की है, कंडेंस मिल्क, लेकिन आपको कंडेंस मिल्क उसी हिसाब से डालना है। अगर आपने चीनी ज्यादा डाली है तो कंडेंस मिल्क आपका इसमें कम डलेगा। और जाता है थोड़ी देर में। जिंदगी में खुशियां लेके आए और खुशियों से सबकी झोली भरी रहे, इसी आशा के साथ मेरे ब्लॉग देखते रहिए। लाइक शेयर, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो यही है, पहाड़ों में लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि लोगों के पास गाय भैंस वगैरह होती हैं, खोया भी बना लेते हैं और अपने या तो पूरा दूध में पका लेते हैं। ये देखिए एकदम से ये सूख गया है, बहुत अच्छा कलर भी इसमें ऐसे आया है कि बिल्कुल रेडीमेड बाजार की तरह है। और ये जो मैंने करे थे, ये मैंने ना जो बादाम है मैंने घी में नहीं भुने, पहले ये रोस्ट कर लिए थे मैंने ये, क्योंकि ये सब बहुत सारी कैलोरी वाला है, तो बादाम जितने ज्यादा हो आप उतने डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें किशमिश डाल दीजिए, बादाम जो आपके पास, जो आपको ड्राई फ्रूट्स तो अपनी पसंद से डाल सकते हैं। बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी मेरे ब्लॉग देखते रहिए। ये जो मैंने ये करे थे ये हम इसके ऊपर डाल देंगे सब में, और ये थोड़ा किक करेंगे। ये
तो नए साल में खुद को भोग लगाने से पहले भगवान से प्रार्थना और उनको भोग लगाना ज़रूरी है। भगवान हम सब की आप सबकी ज़िंदगी में खुशियां भरे और ज़िंदगी को रोशन करे। लीजिए आप सब और हम मिलकर मुंह मीठा करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ उत्तराखंड के ब्लॉग देखते रहें। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।